हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल। और आजकल मैं अपना डेस्क सेटअप करने में लगा हुआ हूँ, क्योंकि अगर एक अच्छी जगह होती है काम करने के लिए तो फिर वहाँ काम करने में मन भी लगता है और मज़ा भी आता है। एंड आई थिंक आप चाहे मेरी तरह छोटे क्रिएटर हों या बड़े क्रिएटर हों, आपको एक अच्छी डेडिकेटेड स्पेस तो चाहिए काम करने के लिए। और जब आप एक शांत जगह पर काम करते हो तो आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ जाती है। सो दैट इज़ व्हाट आई एम होपिंग फॉर। And because of that, these days I'm setting up my desk on in my loft. ये वही जगह है जहाँ पर तापसी पन्नू के ब्लर के थोड़े से सीन्स भी शूट करे गए थे। तो चलिए हम अभी तक अपना डेस्क सेटअप देखते हैं और आज हम इसमें एक चीज़ ऐड करने वाले हैं और धीरे धीरे करके हम इसको बिल्डअप करेंगे एंड वील सी फाइनली वे वी रीच। सो लेट्स गो एंड चेक आउट आर डेस्क सेटअप। The heart of this setup is my 13-inch MacBook Pro. ये एक पुराना Acer Extensa laptop है just for Windows. Then I have my सस्ता उत्तम और टिकाऊ HP 150 wired keyboard. These are the two different mouse that I'm using. Lenovo is for the Windows laptop and the Logitech is for the Mac. Then I have my Audio Technica ATH M50X studio monitors. These are really amazing headphones. A Portronics hub to connect my various devices. Audio interface ke liye main Focusrite Scarlett Solo use kar raha hoon. And this one is really really good for beginners. Jo mic main use kar raha hoon aur jiski awaaz abhi aap sun rahe hain, that is the Samsung C01 large diaphragm condenser. The light that I'm using is the Godox SL60W. The softbox is Godox Genie 80cm by 80cm with the grid. And these are the blue cut glasses for long hours of working. And lastly, I use a laser printer to print documents. तो जैसा कि आपने देखा कि मेरे माउस पैड की हालत तो बहुत ही खराब थी और क्योंकि मैं दो माउस यूज कर रहा हूँ इसलिए मुझे एक लार्जर माउस मैट चाहिए थी। तो मैंने ये रिया टेक की माउस मैट मंगाई है, विच इज 3mm इन थिकनेस and has a dimension of 900mm by 400mm. तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कैसा परफॉर्म करती है एंड हाउ इज़ द क्वालिटी। It's got a nice rubbery surface at the back along with its branding. And on the top side it's got a very nice and smooth fabric. ये माउस मैट काफ़ी लार्ज है और इसमें आपका कीबोर्ड और माउस आराम से आ जाएंगे। इसकी सरफेस फिनिश भी काफ़ी अच्छी है एंड इट फील्स क्वाइट प्रीमियम। द रबर टेक्सचर ऑन द रेयर इज क्वाइट गुड और ये फिसलता नहीं है। वन मोर थिंग दैट आई रियली अप्रिशिएटेड अबाउट दिस माउस मैट वॉज दैट इसके मेकर्स ने अपना लोगो पीछे वाली साइड रखा है और ऊपर से माउस मैट बिल्कुल क्लीन एंड प्लेन है। सो दिस इज़ हाउ आई हैव गॉट इट सेट अप एट द मोमेंट। इसकी सरफेस काफ़ी स्मूथ है और इसको यूज़ करने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। आई एम यूजिंग सच अ बिग माउस मैट फॉर द फर्स्ट टाइम। इसमें माउस मूवमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा एरिया मिल रहा है विदाउट वरिंग दैट द माउस विल मूव आउट ऑफ द माउस मैट। द नेक्स्ट थिंग दैट आई वॉन्ट टू डू इज़ टू डी क्लटर माई डेस्क। तो आज हमने ये डेस्क सेटअप में माउस मैट ऐड करी एंड आई एम प्रिटी हैप्पी विद इट। इट वर्क्स प्रिटी फास्ट एंड द सर्फिस इज स्मूथ और जो नीचे की रबर की सर्फिस है वो भी काफ़ी अच्छी है। So it prevents the mat from moving even if you are moving the mouse very fast. So that is a positive point about it. And baki, I think for 500 rupees, it's absolutely worth it. So jaise jaise main apne desk setup mein nayi cheeze add karte rahunga, main aapko zarur dikhaunga. And I hope it will help you also in building a desk setup for yourself. To in sabhi items ka link main niche description mein dal dunga. So if you want to purchase something,
you can purchase from my links and it will just help my channel a little bit. If you enjoyed this video, please give it a like. It motivates me to make more videos like this. और जैसे जैसे मेरे सेटअप में नई चीज़ें ऐड होते जाएंगी मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा. एंड आई होप इट विल हेल्प यू इन सेटिंग अप योर डेस्क टू. हैव अ वंडरफुल डे. चीयर्स.